थे, हैदराबाद गए, हैदराबाद में दो मैच वार्म अप, हैदराबाद में दो मैचेस उनके मेन। एडवांटेज क्या है कि आप एक शहर में, एक रूम में, एक हवा में, एक मैदान में रोज रोज जाते हैं, आपको टेंशन नहीं है कि यार सामान पैक करके एंड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। कभी कभी उसका एडवांटेज भी होता है, और वो इस केस में एडवांटेज होगा कि इंट्रूडर्स नहीं होंगे, ओ फलाने भाई सेल्फी दे दो, अरे चलो आज दावत पे चलते हैं, सो दे नो कि हम यहाँ पे किस चीज़ के लिए हैं, डिस्ट्रैक्शन। आई थिंक जैसे पाकिस्तान की, जिस तरह विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि पाकिस्तानी टीम को एडवांटेज है, वही ग्राउंड होगा जिसके अंदर दोनों वार्म अप मैच खेले हैं, पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ, दूसरा जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद फिर लीगल मैच होंगे। तो पाकिस्तान की जो टीम है उसको जिस तरह श्रीलंका में एक होम ग्राउंड वाली कंडीशन है वो मिलेगी, जिससे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है बैटिंग की, बॉलिंग की, सब में वो निखार आएगा। और बात करनी होगी, विक्रांत गुप्ता ने ये कहा है कि बात करनी होगी पाकिस्तान की जो बैटिंग है, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान के बैटर ने आखिर कर दिया, स्पेशली जो सऊद शकील ने जारहाना स्ट्रोक लगाए हैं वो आउटस्टैंडिंग है, कि बाबर को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इंजमाम को भी इस बात में, उसामा मीर इस मैच में खेल रहे हैं, और ज़का अशरफ ने कहा है कि अब हमारी टीम पहले से बेहतर होगी, सलमान अली आगा फॉर्म में आ रहे हैं, और मोहम्मद आमिर जो है वो कम बैक करेंगे, क्योंकि बाबर आजम के खिलाफ उन्होंने PSL के अंदर जारहाना बॉलिंग की है। और पाकिस्तानी जो हैं हैदराबाद में, हैदराबाद की जो बिरयानी खा रहे हैं, और पुलिस वाले, बाकी तमाम मीडिया जो हैं वो बाबर आजम के फ़ैन हैं, बाबर आजम के साथ सेल्फियाँ बना रहे हैं। जब बाबर आजम एयरपोर्ट से उतरे तो तमाम तर जो वो काम छोड़ के बड़े बड़े लोगों ने आके, VIP लोगों ने आके बाबर आजम को मिले हैं, और स्पेशली पुलिस वाले जो उनके साथ गप्पे लगाते रहे। पाकिस्तान को उस कंडीशन में वो सूट कर रहा है, और मोहम्मद नवाज थोड़ा सा और मेहनत करे तो पाकिस्तान को मायूसी नहीं होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली सऊद शकील जो है वो वाकई आउटस्टैंडिंग।